बड़ा रंगीला, बड़ा रंगीला है मेरा दिलदार, धड़के दिल बार बार। माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर, मैं हूँ प्रीति, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जिसका नाम आपको पता ही है, अभी बताया मैंने आपको। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। मतलब आपको क्या, मुझे इंतज़ार था आपको दिखाऊं। मतलब मुझे ही, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। जो मैं लाई थी उस दिन मार्केट गई थी, आपने देखा, नहीं देखा है तो नेक्स्ट ब्लॉग पे जाइए आप, जो पिछला ब्लॉग है मेरा उस पर जाके देख सकते हैं कौन सी मार्केट गई थी और क्या क्या लाई हूँ, वो मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, इसीलिए मैं आई हूँ। तो गाइस तो बने रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं लाई, थोड़ा बहुत लाई हूँ और बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं की, थोड़ा बहुत किया है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सोचती हूँ फर्स्ट जो है जेंट्स से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जेंट्स के लिए क्या लाई, जेंट्स में सबसे पहले छोटू कपड़े देखिए, प्यूस के, ये प्यूस के कपड़े हैं, ये प्यूस के हैं, तो पीयूष के कपड़े इस टाइप में दो कपड़े हो गए, पहले ऑलरेडी भी एक कपड़ा था, अभी दो हो गए। और पीयूष के लिए लाए थे हम, और उसके बाद मतलब आयुष और उनके पापा, आयुष पापा मतलब मैं लाई हूँ उनके दोनों लोग के लिए। कल मतलब डिज़ाइन एक जैसी है टी शर्ट की और कलर अलग अलग है, तो ये देखिए गर्मी में पहनने के लिए लाई हूँ। इसे जेब में है, ये आयुष पीयूष के पापा की है, गर्मी में अच्छी है, हाफ कह रहे थे उनका मन था कि हाफ लाना, तो इसलिए मैं हाफ लेके आई हूँ। और ये जो आयुष की है, ये आयुष की है, ये देखिए ये आयुष की है, इसमें जेब नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन इसमें जेब नहीं है, अच्छी है। तो ये दोनों तो ली थी। और एक पीयूष की और शर्ट ले आई हूँ, खाली शर्ट अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली जीन्स कीन्स की पहनाने के लिए। तो गाइज अब बारी आती है मेरी कुर्ती की, तो ये देखिए मैं कुर्ती लाई हूँ, ऑरेंज कलर है और बहुत प्यारा कलर है और लंबी भी लेंथ भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। कॉटन की कुर्ती है, कॉटन की कुर्ती है, ये देखिए फुल स्लीव है, फुल स्लीव है, ऑरेंज कलर है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत प्यारा कपड़ा है इसका। कॉटन की तो अच्छी होती है, गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। एक तो मैं ये लेके आई, पहले से मैंने पहन के भी देखा और एक दो लेके आई थी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पिंक कलर में है ऐसा, कॉलर वाला गला है, ये भी फुल आस्तीन है, बहुत प्यारी है, पहनने पे बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ से
डिजाइन ऐसे कुछ कढ़ाई टाइप का है, कुछ प्यारा सा लग रहा है ना, प्यारा बहुत प्यारी कुर्ती है ये। ये भी सुंदर है और दोनों कलर बहुत प्यारे हैं, इनको बहुत पसंद आए थे तो ये लाई। और साथ ही साथ मैं लेके आई थी तो फैमिली ये देखिए, ये है नाइट सूट और ये बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, मैंने ले लिया। कॉटन का है, गर्मी में पहनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ ये पैजामा देखिए, और नाइट में पहन के सोने के लिए, और नाइट में पहनो दिन भर पहनो बहुत अच्छा है। इसकी जो लेंथ है लंबी है शर्ट की, और इसके नीचे आप पजामा पहने हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा ये देखिए। नहीं मैं ये पहनूंगी, आप भी ले सकते हैं, ऐसा बहुत प्यारा आजकल ये चल रहा है, चल क्या रहा है, मतलब कंफर्ट रहता है, रात में सोने में भी आराम रहता है, और मैक्सी से तो मैं मुझे लगता है ये ठीक है, रात में आप जैसे भी सो एक अलग सा लुक आता है बढ़िया, और प्यारा भी लगता है, कम्फर्ट तो है ही है। ये कॉटन है, कॉटन का है तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा मैंने ले लेते हैं। और मैं दिखाती हूँ इसको तहाल है पहले, तो मेरी याद है तो कपड़े उठा के ऐसे रख देते हैं तभी सुकड़ उकड़ जाते सब। आप बताना सबसे अच्छा कौन सा लगा, बताना जरूर। अभी ये सही है ना, अलग से ना पजामा खरीदना पड़ता है, अलग से टॉप भी नहीं खरीदना पड़ता है, अभी साथ में दोनों एक साथ ही मिलता है तो सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा कि दोनों एक साथ ले लो, अपना पहनो, पजामा भी पहनो सैंड भी पहनो, ना टी शर्ट की टेंशन ना लोवर की टेंशन, बढ़िया लोवर का लोवर टी शर्ट का टी शर्ट, अपना जैसा मानो वैसा पहनो। तो ये मुझे अच्छा लगा था, और गाइस ये देखिए मैं रेडीमेड सलवार लाई और बहुत अच्छी मिल गई मुझे, और ये पता है सलवार कौन सी है, ये पटियाला है। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं इसके ऊपर, कुछ लिया नहीं, या तो मैं इसके ऊपर अच्छी कोई कुर्ती लूँगी या तो मैं या तो सिलवाऊँगी, और ये बहुत अच्छा है, मतलब कम से कम आपको 4 मीटर कपड़े लेने पड़ेंगे तब जाके ऐसी सलवार, और बनवाओ तो तब भी लोग बना नहीं पाते हैं। इसको पहनने के बाद इतना प्यारा लुक आ रहा था, दोनों साइड घेर है और बहुत छोड़ी है, बहुत अच्छी है आप देखिए, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, साइन का कपड़ा है, साइन साइन, या तो मैं इसके तरह सा कुर्ती लूँगी या बनवाऊँगी, कुछ भी करूँगी देखेंगे जैसा होगा, लेकिन इसका जो फिर इसके ऊपर दुपट्टा लगा के पूरा सूट तैयार होगा ना, मज़ा आ जाएगी। इसको मैंने पहना है, पहन के देखा था इतना अच्छा लुक आ रहा था, इसके जो पैजामा इसका जो भी है, मैं पहनती नहीं हूँ ऐसे सलवार वलवार, लेकिन इसी टाइप की मुझे सलवार पसंद है, थोड़ा सा घेर वाली पटियाला या धोती वाली, तो मुझे दोनों ही मिल गई, तो मैंने सोचा ले लो, क्योंकि आप सिलवाने जाओ तो उतना में नहीं हो पाता, और फिर सिलने वाले भी सही से नहीं सिलते, तो सही चीज़ मिल गई इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। और इसमें कि एक और है क्रीम कलर, ये है हमारी धोती, ये देखिए ये भी शाइन कपड़े में है, ये देखिए ये धोती है, ये जब हम पहनेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ करके लुक आया था, इतना प्यारा लुक देखिए, बहुत प्यारा लुक आया, और जब मैं पहनूंगी ना इसको कुर्ती या जब मैं सिलाऊंगी तो देखिए ये धोती स्टाइल है। अभी आप ऐसा सिलवाओ तो सिलता ही नहीं, इतना घेर है आप देखिए, मैं दिखा रही पूरा,
इतना चौड़ा, इतना अच्छा फैब्रिक, इसका कपड़ा इतना अच्छा, पूरा दोनों साइड से देखिए, बनाने वाले बना ही नहीं पाएंगे। और घेर इतना फुल कवरेज, इतना ये देखिए घेर आजकल देते ही कहाँ है, कोई बना ही नहीं पाता जल्दी मुझे लगता है। और बनवाई सिलवाई भी कितनी महंगी, मुझे रेडीमेड मिल गया तो मैंने ले लिया। अभी इसकी इसके ऊपर मैं प्लेन सी कुर्ती लगाऊंगी या बनवाऊंगी, क्या करूंगी वो नहीं मालूम, लेकिन करूंगी तो बहुत प्यारा कुर्ता ये सलवार सूट तैयार होगा। अभी ये सलवार तो तैयार ही हो गई है, बस कुर्ता और दुपट्टे की ज़रूरत है, तो मैं ले कर आऊँगी तो भी मैं आपको दिखाऊँगी, पहन के दिखाऊँगी पूरा पूरा। और मुझे बहुत पसंद आया ये, ऐसी सलवार जल्दी नहीं कोई बनाता और मिलती भी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं क्या लाई थी, बस इतने ही लाई थी गाइस, कौन सा अच्छा लगा आप बताना ज़रूर। और ये दो कुर्तियाँ जो है, जो दो कुर्तियाँ हैं ये शिवालय से लाई थी और ये परेड से लाई हूँ। परेड से लाई, हंसने वाली बात नहीं है, न्यू है, मैं क्यों बता रही हूँ न्यू है पुराना है क्या है, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी लाई थी, ये भी अच्छा मिल गया था, रेडीमेड सलवार तो दोनों मार्केट की थी इसीलिए। और ये तो मैं ये भी ये शिवालय से ही लाई हूँ ये, और ये सलवार तो परेड से ली, रेडीमेड अच्छी मिली और बढ़िया बिल्कुल। अभी दो ही बची थी, मैंने तो ले ली, हमने अच्छी लग रही है। और मैंने लिया था ये इसको रख दूँ गए, नहीं नहीं मुझसे ताही नहीं जाती है, सुकड़ के रख देती। इसमें अंडर गारमेंट्स, मैं हर बार जब बाजार जाती हूँ तो अंडर गारमेंट्स ज़रूर लाती हूँ। अब वो मैं कैसे दिखाऊँ, वो भी लाई हूँ और हर बार लाती हूँ, जब बाजार जाऊँगी तो ज़रूर लेके आती हूँ। मैं एक्स्ट्रा में ही रखती हूँ क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। और क्या लाई थी मैं दिखा रही हूँ, सब आपका समय नहीं बर्बाद करूँगी, आपको दिखाती हूँ रख जाइए। अरे हाँ, मैं दो एयरिंग लाई थी, तो दो एयरिंग में ये देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी एयरिंग, अच्छी लग रही, पहन के दिखाओ। देखिए पहन के दिखाती हूँ फटाक से, बहुत हल्की है गाइस, हम मानेंगे नहीं, पता है इसका प्राइस कितना है, मानना भी पड़ेगा, नहीं भी मानना पड़ेगा, मान भी सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही, लग रही ना, तो इसका प्राइस बताए गाइस कितना है, 10 रुपीस। तो गाइस 10 रुपीस में आप क्या ले सकते हो। अभी तो ये देखिए, अभी दूसरी एयरिंग्स में लाई, ये देखिए दिखा रही हूँ, 2 मिनट। ये देखिए लग रही है ना, तो ये भी गाइस 10 रुपीज की। कैसी लगी अभी मैं दिखाती हूँ। और यार पीछे का टेढ़ा वो होता है ना,
कैसी लग रही है बताना जरूर। तो मुझे दोनों अच्छी लगी थी, बहुत सारी थी, लेकिन मैं दो बड़े ही पहनती हूँ और घर में तो पहनती नहीं, तो छोटे लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता। मैं सिंपल या बड़े ही लेती हूँ जब भी मुझे पसंद आता है। और ये सब ये दोनों 10 रुपीज़ के हैं गाइस। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं और बताते हैं, आपने पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा तो मेरे पास पुरानी जो मैंने पहली थी ये देखिए, आयुष के पापा ने ला के दिए मुझे, पूरे में नग है, पूरे में नग है, देखिए अच्छी लग रही है। तो नई मेरी नथ है ये, तो इसके पापा ने ला के दी, बस यही था और इतना ही लाई, थोड़ा लाई थी। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको ये मेरा ये शॉपिंग होली शॉपिंग थी, ये जो कपड़े मैंने दिखाए आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। मेरे चैनल पे जो नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। और आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और कमेंट भी ज़रूर करना, छोटू सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। तो अब मिलते हैं आपसे हम कल, होली का सीज़न चल रहा है और अब तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको मिलेंगे देखने को। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मतलब रोज़ मैं तो डेली, मेरा तो माई डेली ब्लॉग है, तो आप डेली मेरा वीडियो देखिए और जहाँ मैंने गलती करी हो उसके लिए सॉरी। और फैमिली बाय, फिर मिलते हैं कल।